प्रदेश सरकार के हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के दावे हमीरपुर जिला में विफल साबित हो रही हैं। जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा गांव बल सड़क सुविधा न होने का दंश वर्षों से झेल रहा है। हालात यह है कि गांव में बीमार व्यक्ति को कंधे या चारपाई पर लिटाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। अभी ताजा मामले में इसी गांव के 70 वर्षीय बुजुर्ग की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसे ग्रामीणों द्वारा चारपाई पर डालकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ा। वहीं कच्ची सड़क को पक्का करवाने में पंचायत प्रधान के नकारात्मक रवैये के चलते भी काम शुरू तक नहीं हो सका, जिसके चलते अब ग्रामीणों की दिनचर्या नरक जैसी बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि बलगांव के वार्ड नंबर 2 के लिए कच्ची सड़क बनाई गई थी, लेकिन बरसात के कारण सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिस पर वाहन चलाना तो दूर पैदल चलने में भी मुश्किलें पेश आ रही है। वहीं ग्रामीणों ने प्रदेश की जयराम सरकार से गांव के लिए पक्की सड़क सुविधा मुहैया करवाने की गुहार लगाई है। वहीं स्थानीय निवासी निर्मला देवी बीना देवी ने बताया कि सड़क सुविधा न होने से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव में गर्भवती महिलाओं को बड़ी समस्याएं पेश आती है, उन्हें पैदल चलकर या चारपाई पर उठाकर मुख्य सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। उन्होंने जिला प्रशासन और सरकार से सड़क सुविधा मुहैया करवाने की मांग की है। हमारा बल गाँव है वार्ड नंबर 2, इसमें बहुत सारी समस्या है। हमारी सड़क अच्छी नहीं है, इसमें हमारा रास्ता अच्छा नहीं है, हमें जाने आने की बहुत मुश्किल है और हम बीमार आदमी हैं, इसलिए हमारी सड़क का निर्माण जो है जल्दी से जल्दी किया जाए। एक दिन पहले यहाँ पे कोई बीमार हुए तो कैसे पहुँचाया उनको? उनको चार पाई के ऊपर पहुँचाया गया। पंचायत को बताते हैं क्या बोलना होता है उनका? उनका बोलना होता कि काम करेंगे करेंगे, अब काम करते नहीं है। क्या मांग रहेगी सरकार से? सरकार से यही मांग है हमारी कि हमारी सड़क को जल्दी से जल्दी अच्छा किया जाए और हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, घर रास्ते में नाला पड़ता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, पानी आता है, हमारे बच्चे आने जाने से बहुत रहते हैं, वो आ जा नहीं सकते हैं और हमें भी बहुत मुश्किल है। बड़ी समस्या है, आड़े रास्ते खराब, बुरा हाल, बरसाती जाना आना मुश्किल, बीमार समार पे है ता मुश्किल, आदमी चक्की ने रहना पाउंदा मंजे पर को किंजे यहाँ जब पूछ जाना आना मुश्किल है, तो क्या कर सकते हैं? खड़ा काम होना चाहिए ना। पंचायत को बताया कभी क्या बोलते हैं? पंचायत सुना ही नहीं करती, तो क्या करना थे ना? रास्ता ही नहीं है जी, सड़क सारी मिट्टी से भरी हुई है, बना रहे हैं लेकिन बना नहीं रहे हैं, पता नहीं बोल रहे हैं बजट नहीं आया क्या नहीं आया है। और मैं पशुपालन विभाग में कर्मचारी हूँ, पिछले कई सालों से ये परेशानी झेल रहा हूँ, कई बार तो मैं अपनी ड्यूटी पे भी समय पे नहीं पहुँच पाता हूँ इस मिट्टी और नाले की वजह से। अगर बीमार हो जाए तो क्या कैसे पहुँचाते हैं सड़क तक? कंधों पे रखते जी, यहाँ पे ना तो कुछ आ सकता है इस स्थिति में, आपने देखा ही होगी हमारी सड़क इस वक्त कैसी है, यहाँ पे ना तो कोई व्हीकल आ सकता है, ना तो आदमी के चलने के लिए भी जगह नहीं है, क्योंकि मिट्टी जगह जगह फिसलन पैदा कर रही है। क्या मांग रहेगी आपकी जी सरकार से? रास्ता, कम से कम घर पहुंचने तक के लिए रास्ता मिल जाए। ग्राम पंचायत बाल में वार्ड नंबर 2 में हमें इतनी समस्या है कि ये पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने JVC फराई थी, उसके बाद जो अच्छा रास्ता था वो भी खराब हो गया, हमें आने जाने में बहुत दिक्कत है और इतनी परेशानी है कि पिछले महीने तो 2 महीने पहले मैं गिर गया रास्ते में, मेरा हाथ भी अभी तक भी बंधा हुआ है। ये रास्ते की इतनी समस्या है, एक हमारे गांव में हमारी वार्ड में ये कैंसर का मरीज है बेचारा, कल वो चार पाई पे बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी तक पहुँचाया, चार आदमी ने, बड़ी मुश्किल आया हमें रास्ते की। और पंचायत के पास पैसे आए को काफ़ी दिन हो गए लेकिन लग नहीं रहा पैसा, कोई काम नहीं हो रहा, पंचायत में ऐसे ही इधर उधर कर रहा है, खेत कूद बनवा रहा है, बाकी कोई काम नहीं हो रहा। क्या मांग रहेगी जी? मांग ये है कि जितनी जल्दी हो सके हमारा ये रास्ता जो पक्का होना चाहिए, हमें मतलब इस दिक्कत से थोड़ी मुश्किल से हल हो जाए हमारी, यही हमारी समस्या है। वहीं इस बाबत खंड विकास अधिकारी हमीरपुर अस्मिता ठाकुर का कहना है कि ग्राम पंचायत बल के तहत आने वाले वार्ड नंबर 2 के कच्चे रास्ते के लिए बजट का प्रावधान हो गया है और बरसात के मौसम के चलते काम शुरू नहीं किया जा सका है। उन्होंने बताया कि 7 लाख रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है और बरसात के बाद काम शुरू किया जाएगा।
जिस गांव की आप बात कर रहे हैं वहाँ के लिए जो है वो फोर्टेड फाइनेंस कमीशन से 3 लाख रुपए और 4 लाख रुपए मनरेगा कन्वर्जेंस में जो है उसके लिए सैंक्शन हो चुका है। लोगों की डिमांड थी तो जैसे ही मेरे पास लोग आए हमने उसका प्रोविजन कर दिया है और बहुत जल्दी हम काम शुरू कर देंगे। अभी तो हम लोग अगर ये बोलें कि हफ्ते या 10 दिन में शुरू कर दें तो बारिश की वजह से वो हम नहीं कर पाएंगे, पर हमारे पास जो है वो SDO से भी सैंक्शन होकर के वो आ चुका है तो जैसे ही मौसम ठीक होते हम काम वहाँ पे शुरू कर देंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।